हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक बैचलर टू रास्ता है। सो एक समय जानकारी से आज का जो हमारा वीडियो हमारे व्यूअर्स के कमेंट में जो कि आप यहां देख सकते हैं, बड़ा लंबा कमेंट है तो मैं इसको कम टाइम में बताने का प्रयास करूंगा। कुल मिलाकर के ना कहना है कि सर हमारा जो है टंकी जो है एजेंसी वालों ने जो है ब्लैक कर दिया है और किसी भी माध्यम से इनसे जो OTP लेकर के उसको जो ब्लॉक कर दिया गया। इन्होंने कई जगह पे जो है नंबर भी लगाए हुए हैं, जहाँ जहाँ पोल भी लगाया, शिकायत भी किया, लेकिन इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो कहाँ से जो है कंप्लेन करेंगे कि पूर्ण रूप से समस्या का समाधान हो, और क्या यह समस्या उचित है, क्या सचमुच में जो एजेंसी वाले ब्लैक करते हैं, या क्या है पूरा पंडा, पूरा डिटेल हम वीडियो में बताने वाले हैं। बड़े कब से वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले ये बता दें कि इन्होंने जो कमेंट लिखा हुआ है इनका एक बार कमेंट आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर इसी तरह से आपके साथ भी हो रहा है तो क्या यह सच में हो रहा है, इसके बारे में जानकारी बता दें। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जब भी अगर आप गैस बुक करते हैं, जो आपके यहाँ सिलेंडर आता है डिलीवरी लेते हैं, अगर नहीं भी लेते हैं तो कभी कभी ऑटोमेटिकली जो है कंफर्म हो जाता है, या फिर बिना बुकिंग किए हुए भी आपके नंबर पर जो है बुकिंग हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने जो है कमेंट किए हुए थे कि सर हमारे नंबर पर बुकिंग का मैसेज आ गया, डिलीवर्ड भी हो गया, हमने तो गैस लिए नहीं है, तो क्या मैटर है, क्यों ऐसा होता है? तो वो इसलिए होता है कि एजेंसी स्टाफ वाले के जो है थ्रू होता है। वो जो है कभी कभी वहाँ पे अपना उनका खुद का जो मेंटेनेंस का काम होता है, जैसे कि सिलेंडर आते हैं तो जितने सिलेंडर आते हैं उतना उनको रिफिल वहाँ पे शो कराना होता है। वैसे में अगर रिफिल कम होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे कार्ड धारक हैं, उपभोक्ता है जिनका कि कार्ड बंद है, किसी माध्यम से बुकिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनका बुकिंग वहाँ पे शो कराने के लिए वो किसी और का नंबर वहाँ पे डाल करके शो करा देते हैं। ये मैटर है, ऐसा नहीं कि उठा करके कहीं ब्लैक करेंगे, क्योंकि ब्लैक करेंगे तो गैस का रेट इतना हाई है कि ब्लैक जब अभी रेट है तो ब्लैक करेंगे तो कितना रेट होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गैस को ब्लैक किया जा रहा है, आपका साल का जो 12 कोटा है वो खत्म हो जा रहा है, आपका 12 से ज़्यादा यूज है, अगर कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चूँकि सब्सिडी आपको मिल जाएगी। मान लीजिए साल का 12 सिलेंडर का होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है और आप 12 नहीं उठा पा रहे हैं, वैसे में अगर आपको डिलीवर्ड मैसेज शो करा करके वहाँ से सब्सिडी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 खपत है वैसे में, अगर आपको बिना सिलेंडर लिए हुए डिलीवर्ड का शो करा दिया जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लैक हो रहा है, तो वैसे में आप सभी जगह शिकायत करके अगर थक चुके हैं ऑनलाइन या कस्टमर केयर से, तो आप कुछ नहीं करेंगे, गैस एजेंसी में जाकर के मैनेजर से बात करेंगे। अगर वहाँ से भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वहाँ के प्रोपराइटर यानी कि वहाँ के जो मालिक होते हैं उनसे बात करेंगे। अगर यहाँ से भी सोल्यूशन का समाधान नहीं होता है तो अंत में आपको वहीं पे एक बोर्ड मिलेगा, किसी ऑपरेटर से आप नंबर मांगेंगे, वहाँ के जो एफओ होंगे, फील्ड ऑफिसर, कहीं एरिया ऑफिसर भी कहते हैं, उनसे आप बात करेंगे तो इस समस्या का समाधान 110% हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी लास्ट में आप एरिया ऑफिसर से बात करेंगे तो इस समस्या का समाधान 110% हो जाएगा। आपका जो भी कोटा है जब आप उठाएंगे तभी वहाँ पे शो कराया जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे फिर इस टॉपिक के साथ, आज का टॉपिक यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।